मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वीरेंद्र सिंह। आज टाइम वर्क हमने 6 पार्ट कर चुके थे, आगे बढ़ती है, 60 क्वेश्चंस भी कर चुके थे। आगे बढ़ती है, एक चीज सीखेंगे आज हम, नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे। जो मेरा वर्क डन होता है आज, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो मैन विमेन चिल्ड्रेन वाले, कॉन्ट्रैक्टर जो वाले, उस टाइप के क्वेश्चन होंगे। वर्क डन क्या होता है, एमडीएच, एमडीएच मसाले, नहीं एम बोले तो मैन, एम बोले तो मैन, मैन का मतलब यहां मैन विमेन चिल्ड्रेन जो भी है, डी बोले तो डीज, एच बोले तो आर्स, अगर दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू वर्क डन, इज इक्वल्स टू वर्क डन, मतलब जो भी टोटल यूनिट होंगी वो हमारी आ जाएगी। जैसे देखते हैं, अब आपसे कोई पूछे कि दो आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं दूसरा, कि 20 आदमी एम से मैन किसी काम को 15 दिन में करते हैं। 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते, यहां जो 20 आदमी है ना, दे आर इक्वली एफिशिएंट। क्या कहा मैंने, इक्वली एफिशिएंट, यानी कि एक आदमी इतने दिनों में कर देता है, एक आदमी इतने दिनों में ना, हम ये सपोज करते हैं कि वो जो है वो इक्वली एफिशिएंट है। अब ये कह दे कि एक आदमी कितने में करेगा, तो ऑब्वियसली बात है, आदमी जब घटे हैं तो दिन बढ़े होंगे। तो मैंने क्या कहा, एम डी एच इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब ये क्या, यहां से मैं कह सकता हूं कि एम डी एच, मैं डब्ल्यू को इधर लिया है, इसे डब्ल्यू कह दिया मैंने, डब्ल्यू ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो मैं कह सकता हूं एम वन डी वन एच वन बाय डब्ल्यू वन इक्वल टू क्या होगा, एम टू डी टू एच टू बाय डब्ल्यू टू कह दू। हाँ, मतलब जो काम का प्रोडक्ट है, जैसे यहां पे तो केवल मैन और डेज, और अगर एक ही काम की बात हो रही होगी तो ये W1 और W2 1-1 हो जाएंगे। तो मतलब क्या हुआ, M1 D1 H1 equals to M2 D2 H2। अब ये कह रहा है कि 20 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में कर देगा, तो 20 15 जा 300, मतलब मैंने मान लिया कि 300 यूनिट है, तो एक आदमी है तो 300 अपॉन 1 300, मतलब एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, 300, मतलब दोनों का प्रोडक्ट इक्वल आना चाहिए, 20 15 जा 300, 300 एक कम 300। पूछ ले 10 आदमी कितने में करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये काम कितना हो रहा है, आधा, सॉरी आदमी कितने हो रहे हैं, आधा, तो दिन कितने हो जाएंगे, दोगुने। दिन आधे हो रहे हैं तो आदमी आधे हो जाएंगे, सॉरी दिन आधे हो रहे हैं तो आदमी दुगने हो जाएंगे, मतलब रिवर्स इफेक्ट पड़ता है, ये दुगने तो वो आधे, ये तीन गुने तो 1/3, ये 1/3 तो वो तीन गुने, क्योंकि जो दोनों का प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, सेम, मतलब जैसे यहां से 20 के आधे 10 हो गए तो यहां कितने हो जाएंगे, 15 के दुगने, ये आधे हुए तो ये दुगने हो जाएंगे, कितने 30, देख लो 10 3 जा 300, 20 15 जा 300, मतलब हमारा इक्वल है, मतलब एक ही काम की बात चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो पूछ ले 15 आदमी कितने दिन में करेंगे, ये उल्टा हो गया, तो 20 15 जा 300, तो 15 कितने जा 300, 20 जा, आ रही है बात समझ में, मतलब वर्क डन किसके इक्वल होता है, एम डी एच, मैन इंटू डेज इंटू आर्स अगर गिवन है तो, ठीक है, मतलब एम डी एच बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू को इधर ले गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया, एम वन डी वन एच वन बाई डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू एच टू बाई डब्ल्यू टू। जैसे 4 आदमी है कोई, वो किसी काम को 4 दिन में करती है, तो आपसे पूछे 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो ये मत कह देना 8 दिन में। अब आदमी दुगने हुए हैं तो काम कितना हो जाएगा, आधा, क्योंकि प्रोडक्ट बराबर आना चाहिए, तो 2 दिन में, 4 चौके 16, 8 2 जा 16, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे 4 × 4 इज इक्वल टू 8 × जो भी निकालना है, 2 2 2 जा 4, कितने दिन में, 2 दिन में, आ रही है बात समझ में। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कह रहा है कोई एक फैक्ट्री है या कुछ भी चीज है, उसमें 16 आदमी
चार दिन 8 घंटे काम कर कर उस काम को पूरा कर देती है। सूले आदमी 4 दिन काम करते हैं और एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं और वो काम पूरा हो जाता है। तो आपसे पूछे कि 8 आदमी 8 दिन में कितने घंटे काम कर कर उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर देंगे। क्या कहा है मैंने? आधा हिस्सा। तो इस तरीके के मैंने इस फॉर्मूले को लगाया, ये याद रखना। एमडीएच मैन कितने दे रखा है पहली कंडीशन में? सूल है डेज 4, सूल है इंटू 4 कह दू, हाँ आर्स 8 इंटू 8। अब यहां पर तो काम पूरा हो जाता है, मतलब डब्ल्यू वन मेरा 1 है। कह रहा है कि 8 दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया एच घंटे काम कर रहे हैं। अब काम कितना करते हैं वो? आधा। कितना? आधा। तो यहां क्या लिख दूं? आधा। आई बात समझ में? 8 से 8 गया, 8 दूनी ये 2, आधा है तो 2 ऊपर जाएगा, तो इसे इंटू 2 लिख दूं यहां लाके, 2 से 2 गया, तो एच कितना आया? 4 आवर्स। मतलब उन्हें 4 आवर्स काम करना पड़ेगा इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। आ रही है बात समझ में? क्वेश्चन की तरफ मूव करें और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मतलब क्या हुआ? मेरे 10 आदमी दे दे, कितने भी दे दे, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू वर्क डन। या मैं कह दू एमडीएच बाय डब्ल्यू कॉन्स्टेंट होता है। एमडी M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 इजी सही क्वेश्चन है। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लेकिन अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन होंगे इस पर, डिफिकल्ट और सब तरीके के क्वेश्चन, वो हम आगे भी करते रहेंगे। ठीक है? कह रहा है 12 persons कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। चलो अब जब ये persons, women, children इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं, तो ध्यान रखो MDH by W या M1 D1 H1 by W1 is equal to M2 D2 H2 by W2। ये मैं यहां लिख भी देता हूं। ठीक है? चलो आगे चलो, क्वेश्चन पढ़ो पहले। ए 12 persons कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days। हाउ मैनी persons आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 8 times द वर्क इन हाफ द टाइम। कह रहा है 12 persons, मतलब M1 D1 वाला 12 दे रखा है, 4 दिन दे रखे हैं, आर्स का इसमें कोई वो नहीं दे रखा। ठीक है? किसी काम को पूरा कर देती है, मतलब काम क्या है? एक है, पूरा कर देते हैं मतलब एक कर दिया। ठीक। हाउ मैनी persons आर रिक्वायर्ड, तो M2 पूछ रहा है, M2 को मैंने M कह दिया, मतलब दूसरी कंडीशन में कि M कितने होंगे, नंबर ऑफ persons कितने होंगे टू कंप्लीट 8 times ऑफ द वर्क। 8 times मतलब W2 8 दे दिया इन हाफ ऑफ द टाइम। पहले कितना टाइम ले रहा था? 4 दिन। अब हाफ ऑफ द टाइम मतलब 2 days, ये कंडीशन दी है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? 2 2 जा 4। एम की वैल्यू कितनी आई? 12 2 24, 24 8 जा 190। 2 men मतलब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग 8 गुना काम उसके आधे समय में कितने लोग कर पाएंगे? 192। आई बात समझ में? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से समझना। कह रहा है 120 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 75 दिन। कह रहा है 120 आदमी किसी काम को 75 दिन में कर देती है। चलो ठीक है। After 15 days, 80 more men join, find when will remaining work will be finished. मतलब 15 दिन तक तो इन्हें 120 आदमियों ने काम किया, उसके बाद 80 और लोग आ गए, तो बताओ जो 15 दिन तक काम किया उसके बाद जितना काम बचा वो कितने दिन में कर देंगे। चलो बचा हुआ काम इनने 15 दिन किया, अपनी स्पीड से कर रहे होंगे, चलो ठीक है 15 दिन किया, तो ये बचा हुआ काम 60 दिन में कर देते। 75 में से 15 गए 60, मतलब 120 आदमी उस काम को 60 दिन में कर रहे हैं। अब क्या होता है, कितने लोग आ जाते हैं? 80 और आदमी जुड़ गए,
120 थे, इसमें 80 और आदमी जुड़ गए 200, अब कितने दिन में कर देंगे? यही तो है, बचे हुए कार्य की बात हो रही है, तो बचा हुआ काम 120 आदमी 60 दिन में कर रहे थे, यहां मैं 75 नहीं ले रहा क्योंकि 15 दिन उन्होंने कर लिया है, तो बचा हुआ काम जो है वो 60 दिन में कर रहे थे, 80 और आदमी आ गए, पहले 120 थे तो अब कितने हो गए 200, तो 200 अब डे टू, मतलब डे टू निकालना है, डे निकालना है, कोई दिक्कत, एक जीरो से एक जीरो, मतलब इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो गई, 2 3 6 12 36, मतलब बचा हुआ काम जो 60 दिन में करते ये लोग अब कितने दिन में कर देंगे 36 days। आई बात समझ में? आगे बढ़े पक्का। क्वेश्चन नंबर ये 62 था, 63। कह रहा है ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 13 days। चलो कुछ आदमी 30 दिन में कर देते हैं। इफ देयर वर 5 मोर मैन, 5 और आदमी होते तो ये कितने 10 दिन कम में हो जाता, तो बताओ शुरुआत में हाउ मैनी मैन वर देयर इन द बिगिनिंग। चलो मैंने मान लिया, कह रहा कुछ लोग हैं, मैंने मान लिया एम है, कितने दिन में कर देते हैं 30 दिन में, तो लिख दू एम इंटू 30, कह दू हाँ आर्स का तो यहाँ कुछ दिया ही हुआ नहीं है, जब वर्क का दिया हो कि आधा काम पूरा काम, अगर पूरे काम की बात चल रही है तो ये 1-1 हो जाएगा, इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ये हो कि ये पूरा काम करते हैं ये 8 गुना, जैसे पहले क्वेश्चन था तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा था 8, लेकिन यहाँ पे तो पूरे काम की बात चल रही है, मतलब दोनों जगह 1 और 1 ही आएगा। चलो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। इट कुड बी कंप्लीटेड इन 10 days लेस, कितने आदमी और जुड़ जाए 5, मतलब पहले एम थे तो 5 और जुड़ गए तो एम प्लस 5 हो जाएगा, कितने दिन कम लेता है 10, पहले 30 ले रहा था तो अब कितने लेगा 20, क्या मैं एम को निकाल सकता हूं, एक जीरो से एक जीरो गया तो ये हो गया 3m इज इक्वल टू 2m प्लस 10, तो कितने आदमी थे शुरुआत में हमने m माने थे तो कितने हो गए 3m माइनस 2m m, m इज इक्वल टू 10, मतलब शुरुआत में 10 आदमी थे, पूछ ले बाद में कितने थे तो 10 और 5 15, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े पक्का। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू मेक अ रोड इन 40 days, कह रहा है 40 दिन में उसे पूरी करनी है रोड, एंड एम्प्लॉइज 25 मैन, और उसके लिए कितने लोग लगाता है 25 दिन, एंड आफ्टर 25 डेज ही फाइंड्स दैट ओनली 1/3 ऑफ द रोड इज मेड, कितनी उसने सोचा था कि क्या 40 दिन में हो जाएगी और कितने लोग लगाए उसने 25 लोग लगा दिए कि 25 लोग कर देंगे 40 दिन में, 24 दिन बाद पता लगता है कि एक तिहाई काम हुआ है ये तो अभी। तो पूछ रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड ही एम्प्लॉय सो दैट ही इज एबल टू कंप्लीट द वर्क इन टू कंप्लीट द वर्क 4 days अर्लियर, कितने और आदमी लगाए कि काम 4 दिन पहले हो जाए, मतलब उसने को मिला कितने का था टारगेट 40 दिन का, मतलब काम 36 दिन में हो जाए 4 दिन पहले, 24 दिन बाद उसे कितना पता लगा कि काम तो एक तिहाई हुआ है, चलो उसने मैन कितने लगाए थे शुरुआत में तो आप कहोगे 25, अब 25 आदमियों ने 24 दिन काम किया जो हमें पता है बात, 24 दिन काम किया और 24 आर्स का तो इसमें कुछ दिया नहीं है, 24 दिन काम किया और 24 दिन में कितना काम कर पाते हैं 1/3, कह दो हाँ, अब मैंने मान लिया कि बच्चे हुए एम आदमी है, मतलब अब जो उसने जोड़े प्लस देश एम आदमी है दोनों मिलाकर, अब हमें काम कितने दिन में पूरा करना है 36 दिन, कितने दिन में 36, 36 में से 24 दिन तो इन्होंने कर लिए, कितने दिन में करना है 12 दिन में, टोटल काम 36 दिन में था ना, 24 तो यूज हो गए, 12 दिन में कितने आदमी, अब काम कितना बचा है 2/3, कह दो हाँ, तो 12 दिन में 2/3 काम कितने आदमी कर पाएंगे, यही तो बात हो गई, 12 से ये गया दूनी, नीचे 3 से नीचे 3 गया, 2 इधर आया, ये हो गया 2 × 2 = 4, एम की वैल्यू 100, तो मतलब कितने आदमी 2/3 काम 12 दिन में कर पाएंगे 100, लेकिन 100 में से इसमें तो क्या पूछा है कि कितने नए आदमी आए,
ये तो हमने एम माना था और ये एम तो ये 25 इंक्लूड भी कर रहा है पुराने वाले, तो एम कितना हो जाएगा, मतलब न्यू पर्सन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, 100 माइनस 25 मतलब 75, या आप इसे 25 प्लस एम मान लेते, कुछ भी कर सकते थे। तो एम जो आता वो क्या होता, जो नौ जो भी नए पर्सन थे ज्वाइन किया था वही डायरेक्ट आंसर आ जाता 75। मतलब क्या कह रहा है एक बार और सुनो कि कोई कॉन्ट्रैक्टर 40 दिन में किसी काम को पूरा करना था, उसने 25 आदमी लगाए, तो उसे पता लगा कि 24 दिन बाद एक तिहाई काम हुआ है, मतलब 25 आदमी 24 दिन में एक तिहाई काम कर रहे हैं, अब उसने और आदमी लगा दिए और काम को 4 दिन पहले कंप्लीट कर लिया, 4 दिन पहले मतलब टोटल 36 दिन, 36 में से 24 दिन तो हो गए, मतलब 12 दिन में हमें कितना काम करना है, 2/3, मतलब 12 दिन में 2/3 काम कितने आदमी कर देंगे, तो यहां से एम आया 100। अब ये एम क्या था, ये एम था कि जो भी नए आदमी प्लस जो भी पुराने आदमी थे, तो एम आया 100, इसमें पुराने आदमी कितने थे 25, मतलब नए आदमी जो जुड़े हैं वो कितने हैं 75। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 65। 3 men और 5 boys, ये और इंग्लिश वाला और, कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days, फाइंड इन हाउ मेनी डेज 5 men एंड 25 boys विल कंप्लीट द वर्क। करेक्ट, 3 men और 5 boys, और का मतलब क्या हुआ कि या तो 3 आदमी या 5 बॉय उस काम को कितने दिन में निपटा देते हैं, 60 दिन में, मतलब इन ये मैं ये कह दूं कि 3 आदमी उस काम को 60 दिन में निपटा रहे हैं, और दूसरी ये भी कह रहा है कि 5 बॉय भी उसको कितने दिन में, 60 दिन में, और का मतलब क्या हुआ कि उन दोनों की 3 आदमी इक्वल टू कितने हैं 5 बॉयज। आर ये बात समझ में, कह रहा है ना 3 आदमी या 5 बॉय 60 दिन में निपटा देते हैं, मतलब 3 आदमी किसके बराबर है 5 बॉयज के। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो आगे क्या कह रहा है, तो बताओ 5 आदमी और 25 बॉय, यहां और मैंने इंग्लिश वाला बोला है, सॉरी हिंदी वाला बोला है, 5 men एंड 25 बॉयज, 5 men एंड 25 बॉयज, मतलब 5 आदमी और 25 बॉय मिलकर, एंड का मतलब क्या होगा यहां, मिलकर एक साथ जब काम करे, ये या इस और का मतलब या, कि या तो 30 आदमी काम करे तो 60 दिन में, या 5 बॉय काम करे तो 60 दिन में, मतलब 3 आदमी किसके बराबर हो गए 5 बॉय। अब कह रहे हैं 5 आदमी और 25 बॉय मिलकर कितने दिन में काम कर देंगे, मैंने एंड को प्लस लिख दिया, मतलब मिलकर करना है। अब यहां से मैंने देखा या तो इसको मैन में कन्वर्ट करो या बॉयज में ही कन्वर्ट करो, अब कैसे भी कर सकते हो आप, लेकिन ये देखो कि कौन किसका मल्टीपल है, मैंने देखा बॉयज वाला तो इसका मल्टीपल है, मतलब मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं, जबकि मैन वाला इसका मल्टीपल नहीं है, तो मैंने क्या किया बॉयज को मैन में कन्वर्ट कर दिया। 5 बॉयज 3 आदमी के बराबर है, तो 5 × 25 3 × 15 तो 25 बॉयज विल बी इक्वल टू 15 men। आ रही है बात समझ में, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 15 आदमी, ये 15 है ये 5 है, 15 और 5 20 कितने 20। अब क्वेश्चन क्या हो गया, अब क्वेश्चन ये हो गया कि 3 आदमी 60 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे, यहां आदमी वाला लेना क्यों नहीं हम, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट किया है मैन में, तो क्या हो जाएगा 3 आदमी मतलब इंटू 60 इज इक्वल टू दिस इंटू कितने दिन, 10 से 10 गया 2/3, तो दिन कितने आए 9 days। आई बात समझ में, आप मैन को भी कन्वर्ट कर सकते थे, एक 3 men 5 boys के बराबर हैं, तो एक आप कहोगे 5/3 के बराबर, 3 नीचे आ गया। अब 5 men की बात चल रही है, तो 5 men 25/3 boys के बराबर, तो इसमें जोड़ दोगे निकाल लोगे, लेकिन मैं जब ये डायरेक्ट इसका मल्टीपल है तो ऐसे क्यों करूं, कोई ना हो मल्टीपल तो किसी को भी चेंज कर लो जो आपको इजी लग रहा हो। आगे बढ़े,
ये बात आई समझ में? इसी तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? थ्री मैन और, चलो उसी का तरीके का क्वेश्चन है, थ्री मैन और फाइव विमेन कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। तीन मैन या मतलब तीन मैन इक्वल टू पांच विमेन है, और ये कितने दिन में कर लेते हैं काम को? 60 दिन में। दोनों, या तो तीन आदमी की बात करूं या तीन विमेन की बात करूं, ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब तीन मैन इक्वल टू फाइव विमेन है। आगे बात क्या कह रहा है? हाउ लॉन्ग विल सिक्स मैन प्लस सिक्स विमेन, सिक्स मैन एंड मतलब प्लस, मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? अब किसी को भी बदलो। अब यहां पर आप देख रहे हो कि ये जो मैन वाला इसका मल्टीपल है, तो इसको बदलने में मुझे आसानी होगी। तीन आदमी पांच औरत के इक्वल है, तो तीन दूनी छह, पांच दूनी दस, मतलब सिक्स मैन विल बी इक्वल टू दस विमेन। तो इसे मैं लिख दू सिक्स मैन को दस विमेन और इसे सिक्स विमेन, तो ये कितने हो गए? 16 विमेन। मतलब यही तो पूछ रहा है कि 16 विमेन उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे? अगर पांच कितने दिन में करें? 60 दिन में। तो मैं लिख दूं क्या, 5 × 60 = 16 × जो भी निकालना है डेज, तो कितने कट जाएगा? 4 × 15 = 4, 4 = 4, ये हो गए 75/4 days। या मैं ये कह दूं कितनी आ गई इसकी वैल्यू, 18 × 3/4 days। आई बात समझ में? पक्का आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? कह रहा है वन मैन और वन विमेन और थ्री बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 44 days। मतलब क्या हुआ, एक आदमी, मैंने गलत पढ़ दिया ना क्वेश्चन, वन मैन और टू विमेन और थ्री बॉयज इज इक्वल टू टू विमेन है इज इक्वल टू थ्री बॉयज, और कह रहा है मतलब तीनों की बराबर एफिशिएंसी है, मतलब एक मैन टू विमेन और तीन विमेन इनकी बराबर है, समझ रहे हो ना जो मैं कह रहा हूं। कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 44 days, कितने दिन में कर पाते हैं? 44 days। एक आदमी 44 में करता है, दो लेडीज और तीन बॉयज। चलो तो कह रहा है वन मैन प्लस वन विमेन प्लस वन बॉय मिलकर कितने दिन में करेंगे? अब किसी को भी कन्वर्ट करो। मैंने कहा एक मैन के इक्वल थ्री बॉयज है, तो यहां लिख दूं मैं थ्री बॉयज, दो विमेन थ्री बॉयज, मतलब एक विमेन 3/2, यहां लिख दूं 3/2 बॉयज, और बॉय तो बॉय है ही, तो ये कितना होगा? 1.5 और 3, 4.5 और ये 5.5 के बोले तो 11/2 बॉयज। तो तीन आदमी 44 दिन में, तो इतने मतलब तीन बॉयज इतने दिन में, तो 11/2 बॉयज कितने दिन में? तो मैं निकाल दूं क्या, 3 × 44 11/2 इंटू कितने दिन, 11 × 4 = 12 × 2 = 24। आंसर 24 days। एनी क्वेरी? पक्का नहीं? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, फोर मैन एंड, और नहीं एंड, सिक्स बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, मतलब कह रहा है फोर मैन एंड सिक्स बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। अब इस तरीके के क्वेश्चन जैसे 68 और अगला 69 हम कर रहे हैं, ये काफी पूछे जाते हैं। कहां गया क्वेश्चन? फोर मैन एंड सिक्स बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क एंड थ्री मैन एंड सेवन बॉयज इन 10 days। आगे कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज, तो 10 बॉयज कितने दिन में करेंगे, ये क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन काफी, ये वाला मतलब डिजिट चेंज करके इस तरीके का पूछा जाता है। जिस काम को कर रहे हैं वो तो एक ही काम है,
मतलब दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस होगा, क्योंकि एक ही काम की बात हो रही है। मतलब मैं कह दूं फोर मैन प्लस सिक्स बॉयज इंटू एट इज इक्वल टू थ्री मैन प्लस सेवन बॉयज इंटू टेन, क्योंकि जो काम हो रहा है वो तो एक ही क्या होता था एम डी एच, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इज इक्वल टू एम डी एच कॉन्स्टेंट होता था। मतलब तो यहां भी मैन का मतलब जो भी दे रखा हो मैन विमैन बॉयज, तो यहां तो दोनों अलग अलग दे रखे हैं, तो दैट उन्हें जोड़ दू इंटू डेज, आवर्स का तो कुछ दिया नहीं हुआ, इन्हें जोड़ दू इंटू डेज इक्वल होंगी क्योंकि एक ही काम की बात चल रही है, डी से डी गया। चलो तो ये कितना हो गया चार पांच, तो ये हो गया सोल है मैन प्लस चौबीस बॉयज इज इक्वल टू पंद्रह मैन प्लस पैंतीस बॉयज, तो ये बॉयज इधर चला जाए मैन इधर आ जाएगा, तो एक मैन इज इक्वल टू इलेवन बॉयज। यहां से मेरा रिलेशन निकल के आ गया क्या कि वहां दिया होता था, यहां निकालना पड़ा कितना एक मैन इज इक्वल टू इलेवन बॉयज। आगे क्या कह रहा है कुछ यहां लिखा हुआ है क्वेश्चन, दस बॉयज कितने दिन में करेंगे। अब यहां से तो हमें ये पता लगाना है कि एक आदमी 11 के बराबर है, अभी तो हमें ये भी पता लगाना है कि यहां पर रखना पड़ेगा, यहां से पता लग जाएगा कि कितने बच्चे 8 दिन में काम कर रहे हैं, या यहां रख दो एक ही बात है, मैंने यहां रख दिया। चार मैन कितने के बराबर हो जाएंगे, तो आपका होगा 44 बॉयज, 6 है ही ऑलरेडी, 44 और 6 50, मतलब 50 बॉयज कितने दिन में काम कर रहे हैं 8 दिन में, 50 8 में कर रहे हैं, तो आपसे क्या पूछ रहा है 10 कितने दिन में करेगी, तो मैं कह दूं 50 इंटू 8 इज इक्वल टू 10 इंटू डी, एक जीरो से एक जीरो गया, 5 8 जाए 40 दिन, तो आंसर क्या आया 40 डेज, कोई दिक्कत नहीं, पक्का आगे बढ़े। 69 कह रहा है 16 वीमेन टेक्स 12 डेज टू कंप्लीट अ वर्क विच कैन बी कंप्लीटेड बाई 12 मैन इन 8 डेज। कह रहा है 16 वीमेन किसी काम को कितने दिन में करती हैं 12 दिन में, और उसी काम को 12 मैन कितने दिन में करते हैं 8 डेज में। मतलब मैं यहां से मैन और वीमेन का रिलेशन निकाल लूंगा, 12 से 12 गया डी से डी गया 8 2 डी, मतलब 1 मैन इज इक्वल टू कितना आया 2 वीमेन कह दू। हाँ आगे कह रहा है कि 6 कहां गया 16 मैन स्टार्टेड वर्किंग एंड आफ्टर 3 डेज, 16 आदमी काम करना स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद 10 छोड़कर चले जाते हैं, एंड 4 वीमेन जॉइन देम और 4 विमेन ज्वाइन करती हैं, तो बताओ कि कितने दिन में बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। चलो अब 16 आदमी की बात हुई है, तो पहले तो मैं ये निकालूं कि 16 आदमी उस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, तो 12 आदमी 8 दिन में कर पा रहे थे, तो आप कहोगे 16 इंटू डी इज इक्वल टू 12 इंटू 8 कह दू, हाँ 8 दूनी 2 6 जा, मतलब 16 आदमी 6 दिन में कर पाएंगे, यहां लिख दू बाय 16 मैन, 16 आदमी इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे 6 दिन में। अब कह रहा है कि जो 16 आदमी काम करना स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद 10 आदमी छोड़कर चले जाते हैं। अब ये जो सबसे दूसरा क्वेश्चन हमने किया था शायद, मतलब आज का दूसरा 62, उसकी तरह बन गया यहां से क्वेश्चन कि 10 आदमी छोड़कर चले गए और कितने दिन बाद 3 दिन बाद, ये 16 आदमी पूरा काम 6 दिन में करते हैं, 3 दिन बाद छोड़कर चले गए, मतलब 3 दिन तक काम किया, मतलब 16 आदमी अगर काम करते तो बचा हुआ काम 3 दिन में कर लेते। तो मतलब जो काम 16 आदमी 3 दिन में करते हैं वो काम इक्वल टू अब कितने आदमी छोड़कर चले गए 10, 10 में से 16 में से 10 गए 6, मतलब 6 आदमी कितने विमेन ने ज्वाइन किया 4, और 4 विमेन किसके इक्वल है 2 मैन, मतलब 2 मैन ने ज्वाइन किया, मैं ये कह दूं इनटू डी, वो बचे हुए काम की तो पूछ रहा है, जो आदमी 16 जो काम 16 आदमी तो 3 दिन में कर देते वो इतने कितने दिन में करेंगे 8 दूनी 16 है, डी की वैल्यू कितनी आई 6 डी, मतलब वो इतना काम 6 दिन में निपटा देंगे, कित कौन जो 16 आदमी 3 दिन में कर रहे थे वो 6 आदमी प्लस 4 विमेन कितने दिन में निपटा देंगे 4 डेज, 4 विमेन, ये 4 विमेन है
फोर वीमेन किसके इक्वल हो जाएगा, टू मैन, तो ये मैन था तो एक दोनों एक ही में होना चाहिए, तो ये भी किसके इक्वल लिख दिया मैंने, मैन के। फोर वीमेन किसके इक्वल हो जाएगा, टू मैन, तो छह और दो आठ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, आज का आखिरी क्वेश्चन, कहा है कि इसमें और करते रहेंगे क्वेश्चंस भी आगे, लेकिन हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। कह रहा है वन मैन प्लस थ्री वीमेन एंड फोर बॉयज कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज, आर सॉरी, कह रहा है टू मैन एंड एट बॉयज इन 80 आवर्स, और टू मैन प्लस थ्री वीमेन इन 120 आवर्स। तो पूछ रहा है फाइंड इन हाउ मैनी डेज फाइव मैन एंड 12 बॉयज, फाइव मैन एंड 12 बॉयज कैन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क आवर्स में, कितने आवर्स में ये पूछ रहा है। मैंने कहा एक का दूना दो, चार का दूना आठ, मतलब इसकी जितनी यूनिट आएंगी उसकी आधी कर दूंगा, तो मैं यहां पुट करके विमेन का निकाल लूंगा, विमेन के पुट करके मैन का निकाल लूंगा, मैन के पुट करके बॉयज के निकाल लूंगा और वहां पुट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा। आ रही है बात समझ में? तो इसकी कितना हो जाएगा एलसीएम, 480, 480 यूनिट्स, तो ये मिलकर कितना काम करेंगे, 480 अपॉन 96 कितना हो गया 5 यूनिट्स पर आर, ये 480 अपॉन 80 6 यूनिट्स पर आर, 120 अपॉन 80 सॉरी 480 4 यूनिट्स पर आर। यहां से मुझे पता लगा कि दो टू एम प्लस एट बी, टू मैन प्लस एट बॉयज कितनी यूनिट काम कर रहे हैं, 6 यूनिट पर आर, तो एक प्लस फोर बी कितनी करेंगे 3 यूनिट, दो से डिवाइड कर दिया, ये दो से डिवाइड किया है, एफिशिएंसी है, टाइम नहीं है, टाइम तो ये घटने के साथ टाइम तो बढ़ता है, लेकिन एफिशिएंसी तो कम होगी, एफिशिएंसी जब कम होगी जब ही तो टाइम बढ़ेगा, आ रही है बात समझ में। अब ये तीन यूनिट करते हैं और ये मैंने देखा ये यहां पर भी है, अब वन मैन प्लस फोर बॉयज तीन यूनिट, तो तीन मैन सॉरी तीन वीमेन कितनी करेंगी, तो आप कहोगे ये तीनों मिलकर पांच कर रहे हैं, तीनों मिलकर मतलब ये तीनों अलग अलग जो है इनको मैं एक दो तीन कहीं कहो ये तो आठ है, हैं ये पांच कर रहे हैं, तो तीन भी मैन कितनी करेंगी, पांच माइनस दो सॉरी पांच माइनस तीन, तो कितनी टू यूनिट्स पर आर। या मैंने देखा टू मैन प्लस थ्री भी मैन है, तो थ्री भी मैन कितनी कर रही है टू यूनिट्स पर आर, तो चार में से तो गया दो, तो दो मैन कितनी करेंगे टू यूनिट्स पर आर, तो मैं कह दू एक मैन कितनी करेगा, तो आप कहोगे वन यूनिट पर आर। यहां पर डाल दू एक आदमी एक यूनिट कर रहा है, चार में से एक गया सॉरी तीन में से एक गया दो, मतलब चार बॉयज कितनी यूनिट कर रही है दो, तो एक बॉय कितनी करेगा आधी, नीचे दिख रहा है यहां लिख रहा हूं चलो, तो एक बॉय कितनी यूनिट करेगा आधी, क्या दो हां आधी यूनिट। अब मुझसे पूछ रहा है पांच आदमी और बारह बॉयज कितने दिन में करेंगे, एक आदमी एक यूनिट करता है तो पांच आदमी आप कहोगे पांच यूनिट, एक बॉय आधी यूनिट करता है तो बारह आदमी सॉरी बारह बॉयज आप कहोगे छह यूनिट, तो पांच और छह ग्यारह, मतलब दोनों मिलकर कितनी यूनिट कर रही हैं ग्यारह, काम कितना है 480, तो ये कितने दिन में निपटा देंगे, तो आप कहोगे ये निपटा देंगे 480 अपॉन 11 आवर्स, आई बात समझ में, तो ये कितना हो जाएगा 43 ग्यारह 430 43 7 ग्यारह आवर्स, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं, हालांकि इसके और पार्ट आएंगे लेकिन उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हम तरीके लगभग सारे कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यही उम्मीद करता हूं। आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए खेलते रहिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।